सहारनपुर के कोलकी क्षेत्र में 18 और उमाही में 14 लोगों समेत विभिन्न गांव में कुल 68 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई, जबकि 69 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं जहरीली शराब मामले में अब SIT की टीम जांच कर रही है। मेरे गांव में 18 तो मौत हो चुकी है जी, कम से कम 35-36 का इलाज चल रहा है जो सरकारी अस्पताल मेरा देहरादून। पूरे जिले का तो मैं कह नहीं सकता, मगर आसपास भी बहुत मौतें हो चुकी हैं। भाबरी पठेड़ गाँव में बहुत मौत हो चुकी है, जहरीली शराब के कारण ही मौत हुई। शराब तो ये बाहर से ही आती थी, अच्छा, कोई बालूपुर से बता रहा, कोई कहीं से बता रहा, कोई पुनैन से बता रहा। वहाँ जो लोगों ने बताया और उन्होंने बताया कि कहाँ से ये दारू पी गई, कहाँ से ये जो मौत का सामान आया, तो वो लोगों ने अपनी बात को उनके सामने सच्चाई से रखा कि वो सामान जो मौत का है वो उत्तराखंड के किसी एक गांव से आया। देखिए, वो अपनी जो जांच कर रहे हैं, वो जो लोग सही बता रहे हैं तो मैं भी उसे सही कहूँगा, क्योंकि वो रूबरू लोगों से सबसे अपनी बात कर रहे हैं और वो लोगों को जो लोग उन्हें बता रहे हैं वो उस बात को अमल में भी ला रहे हैं। उनमें दोषी होगा इस रिपोर्ट के बाद। बस हमारी मांग ये है कि उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 68 लोग हमारी विधानसभा के हैं। हाँ, और पूरे सहारनपुर की अगर बात करें, पूरे सहारनपुर के बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं अपने क्षेत्र में रहा हूँ, लेकिन पूरे जनपद के मैंने PM कराए हैं। वहाँ पूरी रात और पूरा दिन मुझे लगा है। हमारे विधानसभा के अभी तक 68 लोग मरे हैं और तकरीबन 59 के करीबन अभी इलाज में है, और जो इलाज वाले हैं इनकी संख्या जो है मैं और मालूम करता फिर रहा हूँ।